देखो कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन टोनी भैया अपनी हरकतों से कभी सीधे नहीं हो सकते। आज की इस वीडियो में फिर से टोनी भैया का एक नया गाना है, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, तेरा सूट, ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है टट्टी सॉन्ग। देखो कोरोना की वैक्सीन आ गई, और यार इससे भी भयंकर कोई वायरस आया होता पक्की उसकी भी वैक्सीन आ जाती, लेकिन टोनी भैया यार ये एक ऐसा वायरस है इससे बचाने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं आने वाली। और मुझे लगता है कि यार लोगों को कुछ ऐसा ऐसी मेडिसिन बनानी चाहिए जो वहम दूर करे। तो टोनी भैया ने अपने दिमाग में ये वहम डाल रखा है कि वो सिंगर है, ऐसी कोई दवाई बनाओ यार जिससे इस इंसान का वहम दूर किया जा सके। एक होती है स्ट्रगल जिसे इंसान फेस करता है और उससे निकल कर बाहर आता है, और फिर वो जानता है कि यार ऑडियंस को क्या चाहिए वो, क्योंकि यार वो उस चीज से निकला है। लेकिन एक होता है ऐसा इंसान जिसके सामने सारी चीजें परोस कर रखी गई हैं, उसको घंटा नहीं पता कि स्ट्रगल किस चीज का नाम है, ऑडियंस को क्या चाहिए होता है, वो तो यार मतलब क्या लिखेगा, देख रहे हो इस चीज का नतीजा यही तो है। भांग पीकर गाने बनाने को गाना नहीं कहते, उसे कहते हैं लोगों को तंग करना। अबे हद होती है किसी चीज की, हर हफ्ते गाना बना देते हो, और चलो बनाया तो बनाया, ऊपर से इसको ट्रेंडिंग में कौन लेके आता है। टोनी भैया का कोई भी गाना तुम सुनकर देख लो, सारों में जो है वो सेम लिरिक्स मिलेंगे, लगभग थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर मिलेंगे, लेकिन सेम टू सेम उसी वे में लिखा गया है, सेम ही वे में उसको गाया गया है, सेम ही धुन उसमें रखी गई। और एक बात बताओ टोनी भैया, अपने गले में कुछ डाल रखा है कि जो तुमसे आवाज नहीं निकल रही है? तो आओ अब जरा टोनी भैया की जितनी बुद्धि है, जितनी थोड़ी मोटी मतलब जितनी भी बुद्धि है इस इंसान के पास, और उस बुद्धि का यूज करते हुए इसने जो लिरिक्स लिखे हैं उसके ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। तो पहली जो लाइन है, जस्ट पहली लाइन है इसकी, डम डम डिगा डिगा, मतलब तीन बार है, मैं सॉरी मुझसे गलती होगी, डम 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 डिगा डिगा, डम 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 डिगा डिगा, मौसम है भीगा भीगा। ये टैलेंट है भाई साहब, कोई कहता है ना कि बिना शब्दों के लिरिक्स नहीं बन सकते, एक बार जरा टोनी भैया से मिलकर देखो, वो एक शब्द में पूरा गाना लिख के दिखा सकते हैं तुमको, और इन इंसान को उस पर घमंड तक भी नहीं है। आगे के लिरिक्स और चेक कर लेते हैं जस्ट इससे, अगली लाइन है, मौसम बड़ा राइट, तेरे साथ मैं लुक्का छिपी खेलूंगा, दिन ढल जाने दो, आने दो ना नाइट, आने देना नाइट, मतलब नाइट को लुका छिपी, क्या क्या मतलब बनता है इस चीज का। और मुझे लगता है कि यार इस जैसे लिरिक्स को देखकर जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उनको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, क्योंकि जो जनता है उनको घंटा फर्क नहीं पता चल रहा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो तो टट्टी सॉन्ग को भी ट्रेंडिंग में लेके आ जाते हैं, और वो ये नशेड़ी गंजेड़ी लोग आएंगे ऐसे से लिरिक्स लिखेंगे, लिरिक्स नहीं वो जैसे तैसे राइम्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, नाइट टाइट फाइट राइट जो भी है ऐसे बनाएंगे, और लिरिक्स तुम लोगों को परोस कर रख देंगे और कह देंगे ये बन गया गाना, और तुम हो ना महान जनता इसको ट्रेंडिंग पे लाने के लिए। और रही सही कसर इंस्टाग्राम पे अपनी कमरियां हिलाने वाली वो लड़कियां, और साथ ही साथ जो लड़के हैं वो लड़कियां बनकर नाचने को तैयार तो बैठे ही है। अब हिम्मत नहीं है इसके और लिरिक्स मैं पढ़ सकूं, इतनी इतनी मेरे अंदर समझ नहीं है यार इस इंसान के लिखे हुए शब्दों को मैं समझा सकूं इसने कितना महान लिखा है यार, इतनी सच में बहुत छोटे हैं इसके आगे। एक बात बताओ समझदार इंसान, ये तेरा सूट लिख के तुमने क्या सोचकर लिखा, उसमें सूट तो कहीं इस लड़की ने पहना ही नहीं। अब सोच थोड़े बहुत रिसर्च कर ले, अगर रिसर्च नाम का एक वर्ड होता है जिसके ऊपर मेहनत लगती, मेहनत तो की होती तो शायद कोई अच्छा सॉन्ग कर ही लेते, हर हफ्ते थोड़ा ना टट्टी सॉन्ग निकाल रहे होते। टोनी भैया के गाने से ज्यादा बेटर उनके कमेंट सेक्शन होता है भाई साहब, वहां उनके कमेंट सेक्शन पढ़कर इतनी ज्यादा हंसी आ जाती है, सच में मैं गाना इसीलिए सुनता हूं जो ट्रेंडिंग में आता है उसके कमेंट सेक्शन देखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं टोनी भैया के लिए, क्या बताऊं यार मैं। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।